तो दिस इज द चैनल विच कैन हेल्प यू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस कमिंग टू द टॉपिक ऑफ वूका देखिए वूका इज वेरी मच रेलिवेंट टू द करेंट सिचुएशन क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है एंड कोविड का सिचुएशन हैज एक्चुअली टॉटस कि वूका को कैसे हम एनालाइज करें और उसके बेसिस पे हम कैसे एक्शन लें जबकि वूका फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ वूका आप सोच रहे हो कि वूका वूका बोल रहे हैं वूका है क्या वूका का मतलब है वोलाटिलिटी अनसर्टनिटी कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी दिस इज वूका और ये वूका जो टर्म है ये बहुत पुराना टर्म है uh, बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज uh, में ये पढ़ाया जाता है uh, बहुत सारे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में इसको यूज किया गया है सो इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट जो कि शायद उतना हम लोग यूज नहीं करते थे बिकॉज थिंग्स वर प्रिटी स्टेबल काफी स्टेबल स्मूथ चल रहा था तो वूका के बारे में उतना लोगों ने सोचा नहीं बट अभी एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है मैं बोलूंगा इट्स अ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन ये जो कोविड का सिचुएशन है इसमें रियली really थिंग्स ये कब कोविड का अटैक बढ़ जाएगा तब अचानक से आ, हम लोग सब लॉकडाउन में फंस जाएंगे सो ऑल थिंग्स आर वोलाइनसर्टन कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे चीज बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे डेटा कोविड रिलेटेड हमारे सामने आते हैं सो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू रियली अंडरस्टैंड कि भाई इसका वैक्सीन आ गया उसका वैक्सीन आ गया कौन सा वैक्सीन सही है ये भी बोल रहा है कि भाई मतलब सो दे आर सो मेनी डेटा पॉइंट दैट वी हैव टू एक्चुअली डील विद सो दिस इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज ऑल्सो एम्बिग्युअस बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड ऑल द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज वी आर नॉट मेडिकल एक्सपर्ट्स तो हमारे लिए वो एम्बिग्युअस है कि भाई वायरस म्यूटेट हो रहा है इसका इन्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है यही हमको समझ में आता है

Where this is the VUCA environment, and at the middle of it, center, right at the center, is the manager. A manager ke paas kya hai? There is a sales team, there are retailers, and there are distributors. Three different groups of people, and the manager has to deal with all these three groups of people who are in this VUCA kind of an environment. So, really difficult task for the managers. नो फर्स्ट इट इज अंडरस्टैंड हाउ वॉलेटिलिटी इज गोइन टू इम्पैक्ट द रिटेलर द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द सेल्स टीम स्टार्टिंग विद द रिटेलर देखिए रिटेलर के लिए वोलाटिलिटी का मतलब क्या हो सकता है कि अचानक से कुछ प्रोडक्ट शायद आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उनके यहाँ पे इरेगुलर सप्लाई हो जाए कि भाई उन्होंने सोचा था कि सप्लाई आएगा नहीं आए. कि या नहीं आया जबकि अभी देखिए आउट ऑफ स्टॉक या सप्लाई इश्यूज काफी हद तक इस बार कम है बट पता नहीं अगर सिचुएशन और खराब हो गया लॉकडाउन और बढ़ गया तो डेफिनेटली देर विल बी सर्टन प्रॉब्लम्स विथ सप्लाई एंड आउट ऑफ स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वोलेटिलिटी का मतलब क्या हो गया अचानक से डिमांड में स्पाइक आ गया अचानक से डिमांड में फॉल आ गया सो इट वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज द इन्वेंट्री ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक वोलेटिलिटी uh, का इश्यू है सेल्स टीम के लिए कैसे करेगा? जैसे अचानक से कोई मार्केट कोई एक दिन बंद हो गया जैसे कि वर्किंग डे फॉर सेल्स टीम फॉर सेन तो सैटरडे तो तो जिस जो बीट उसका बना हुआ था कि वो सैटरडे जाएगा अगर उस वाले एरिया में कंटेनमेंट uh, जोन लग गया या फिर लॉकडाउन हो गया उस टाइम में उटलेट ऑन दैट पर्टिकुलर डे तो यह एक वोलाटाइल एस्पेक्ट हो गया कि भाई अचानक से वो देखा कि कल से हम जा नहीं सकते है लॉकडाउन तो दिस इज दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट सप्लाई क्योंकि ऑर्डर नहीं ले रहा है कि सप्लाई कब होगा तो अच्छा फोन में लिया तो सप्लाई कब करेगा और उस दिन में सप्लाई नहीं होगा अगले दिन होगा क्या होगा सो दीज आर ऑल वोलाटाइल एस्पेक्ट दैट The salesman has to deal with. It. Now let us understand uncertainty. अब retailer के लिए uncertainty क्या होगा? कि footfall uncertain हो गया। अगर covid situation बढ़ गया, तो लोग कम बाहर निकलेंगे, दुकान के अंदर कम आएंगे, footfall कम होगा। Distributor के लिए uncertainty क्या है? कि बस supply from the company कहीं पे impacted अगर हो जाएगा, तो then the distributor will also get impacted। Distributor के लिए cash flow भी difficult है। कि भाई हम कैश फ्लो कैसे मैनेज करें बिकॉज मार्केट में क्रेडिट मैंने दिया है वो अगर नहीं आएगा तो मैं सामान कैसे खरीदूंगा और अगर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि डिस्ट्रप्शन होगा सप्लाई में तो मैं इन्वेंट्री मुझे ज्यादा रखना होगा इधर से पैसा आ नहीं रहा है और मुझे ज्यादा स्टॉक uh, रखना पड़ेगा तो ऑल दीज आर कैश फ्लो इश्यूज दैट अ डिस्ट्रीब्यूटर हैज हैजू वर्कआउट और सेल्स टीम के लिए अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ टारगेट अचीवमेंट टारगेट होगा नहीं होगा इंसेंटिव मिलेगा नहीं होगा बिकॉज दीज आर ऑल अनसर्टन थिंग्स देन हाउ टू हैंडल रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका इश्यूज को कैसे हैंडल करें बिकॉज वी हैव नॉट फेस दिस सिचुएशन सो दीज आर ऑल अनसर्टनिटी दैट विल बी इन द माइंड ऑफ द सेल्स टीम रिटेलर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है मैनेजिंग द इन्वेंट्री जो स्टॉक है उसको कैसे मैनेज कौन सा स्टॉक कितने अमाउंट में रखे कितना क्वांटिटी में रखे ऑल दीज आर थिंग्स दैट रिटेलर हैज टू वर्क आउट टू

एसो अगर पीजेपी बनाएगा तो किस तरीके से पीजेपी बनाएगा कि वो बीट कवर हो उस वो एरिया को कवर किया जाए सेल्स फोरकास्टिंग हम कैसे करेंगे क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या सिचुएशन रहेगा आगे का सो ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्सिटीज नाउ अस अंडरस्टैंड द एम्बिगुटी एस्पेक्ट ऑफ इट रिटेलर्स के लिए एम्बिग्युटी है कि अचानक से अगर मार्केट में कुछ र्यूमर फैल गया कि कल से लॉकडाउन होने वाला है कुछ न्यूज़ आया है कहीं पे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने कुछ पढ़ा है कि नहीं अभी बंद हो जाएगा वीकेंड में बंद कर देंगे तो रिटेलर के लिए अब समझने समझना है कि भाई अब क्या करूँ मैं अब क्या मैं इस न्यूज़ के बेसिस पे ज्यादा स्टॉक ऑलरेडी मंगा लूँ या फिर क्या मैं करूँ क्या डिसीशन लूँ सो ऑल दीज आर एम्बिग्यूस फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर एम्बिग्युटी वुड बी वाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन आर क्योंकि मेरा डिलीवरीज आर गेटिंग चेंज डिलीवरी स्केड्यूल चेंज हो रहा है सेल्स पे भी इम्पैक्ट हो रहा है मेरा तो खर्चे उतने ही है बल्कि बढ़ जाएगा शायद मैं मैं तो अपना स्टाफ को सैलरी दे ही रहा हूँ सो वॉट वुड बी द नेट नेट इम्पैक्ट ऑन माई आर ओ आई सो दैट इज ऑल्सो एम्बिगुअस क्या मैं एक्सपैंड करूँ और ज़्यादा दुकानों में पहुँचने की कोशिश करूँ या फिर मैं जितने दुकान उसी में मैं, मैं uh, सीमित रहूँ कंसोलीडेट करूँ फॉर द सेल्स टीम द एम्बिगुटी वुड बी हाउ टू सेट द टारगेट मंथ का टारगेट कैसे सेट करे बीट का टारगेट कैसे सेट करें रिटेलर का ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें डिस्ट्रीब्यूटर का ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें अगर बढ़ जाएगा एस एम विल ऑल्सो बी वेरी वेरी कंसर्न अबाउट यू नो हाउ डू वी सर्विस द मार्केट एक्चुअली सो ऑल दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वूका दैट एफ एम सी जी सेल्स टीम जो मुझे समझ में आया मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया अगर आपको लगता है कि देयर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो दैट आर रेलिवेंट प्लीज मैंशन इट इन द कॉमेंट बॉक्स वी टू रीड इट सो वेन यू हैव क्लियर मैप ऑफ वुका इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दीज थ्री इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल देन प्रोबली यू आर इन बेटर पोजिशन टू टेक डिसीशन गोइंग फॉर्वर्ड Thanks for watching this video please don't forget to like share and subscribe and i'll be back with more videos thank you